एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भटक जाता हूं। तू किसी रेल सी गुजरती है और मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। यूं तो ये कविता दुष्यंत कुमार जी ने लिखी, ये लाइनें दुष्यंत कुमार जी की हैं, पर इस कविता को एक नई पहचान दिलाई इंडिया के एक देसी बैंड ने, जिसे हम इंडियन ओशन कहते हैं। देसी कहने में बहुत मजा आता है क्योंकि उसमें देसीपन दिखता है, उसमें आग दिखती है, पर्यावरण को लेकर चेतना दिखती है, एक नए नए आयाम नजर आते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं अमित जी का, जो कि इंडियन ओशन से हैं, जबलपुर में है, संस्कारधानी में है। कल रात को इनका शो बहुत ज्यादा हिट रहा और आप तो जैसे कि जानते हैं कि नर्मदा जी बहती हैं जबलपुर में, मारेवा रहती हैं जबलपुर में और मारेवा को एक नई पहचान दी है। तो स्वागत है आपका ओएसपा में जबलपुर में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर कैसा लगा आपको जबलपुर आने के बाद? जबलपुर एक्चुअली हम लोग काफी आए हैं, मैं पर्सनली भी दो चार बार अलग से आया हूँ। मैं बांधवगढ़ में जंगल काफी जाता हूँ, बांधवगढ़ के जंगल जाता हूँ, तो कभी जबलपुर कभी कटनी उतरता ही रहता हूँ। तो जबलपुर में आया हूँ, मेरे पिताजी भी यहाँ से पढ़े हैं, तो वो काफ़ी खुश होते हैं जब भी मैं कहता हूँ कि मैं जबलपुर जा रहा हूँ शो पे। मगर इंडियन ओशन यहाँ आया है 3 बारी शायद हमने शो किया है। अच्छा, और कल हम सही मायने में हमारा सबसे बड़ा यहाँ का शो था, पब्लिक शो कल। तो जबलपुर से पुरानी यादें भी हैं, मतलब पिताजी अगर जानते हैं कि जबलपुर आने पर खुश? पिताजी जानते हैं, लेकिन मैं तो खैर बचपन में बिल्कुल भी नहीं आया जी, तो बस हम नाम सुनते थे। पिताजी जबलपुर में पढ़े थे, जबलपुर में पढ़े थे, बट उसके बाद से कुछ खास नहीं था। बट हाँ, वो बड़े खुश रहते हैं जब भी मैं कहता हूँ जबलपुर। देखिए पुरानी यादें तो पुरानी ही होती हैं। चलिए फिर कुछ पुरानी बात करते हैं कि सर जब 1994 में, जैसा कि हम जानते हैं इंडियन ओशन के बारे में, जब आप जुड़े और मीडिया में एक खबर हुआ करती थी कि सबसे यंग बंदा जो है वो अमित है अब इस बैंड में, तो अमित सर मतलब उस समय अमित सर कैसे पहुंचे इंडियन ओशन, कैसे जुड़ गए? मैं उस समय फर्स्ट ईयर कॉलेज में था जब इंडियन ओशन बैंड बन चुका था, 1990 में बना था बैंड, और 93 के आसपास उनके ड्रमर ने छोड़ने की बात कही थी। तो 93 दिसंबर के आसपास या मे बी 94 की पूरी तरह से याद नहीं है, बट समवेयर देयर सुष्मित जी ने मेरे को फ़ोन लगाने की कोशिश करी। सुष्मित सेन जी ने फ़ोन लगाने की कोशिश करी, तब तो सेल फोन नहीं होते थे, मेरे घर में खुद टेलीफोन भी नहीं था जी, तो इसीलिए इधर उधर से पहुँच के, आप ये सोचिए कि 1.5 महीना लगा हम लोगों के संपर्क बनने में, और उसके बाद फिर मैं गया, मिलने गया उनसे। और मज़े की बात यह है कि ये जब 94 ओपनिंग की शुरुआत थी, 94 की बात है, तो मैं कॉलेज में था और मैं कॉलेज में अपना संगीत बनाता था, मैं बजाता वैसे तो ड्रम भी था, लेकिन मैं अपने गिटार पे अपने गाने भी बनाता रहता था, और वो म्यूजिक बड़ा इंडियन ओशन की म्यूजिक के जैसे था, मेल खा रहा था। तो जब मैं यहाँ पहुँचा और मैंने देखा कि अरे ये लोग तो ऐसा म्यूजिक ऐसा संगीत बना रहे हैं जिसमें थोड़ा देसीपन है, थोड़ा क्लासिकल भी लग रहा है, और लग रहा है कि शायद जैसे फोक म्यूजिक से थोड़े से प्रेरित हुए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैंने बस वहीं के वहीं सेट कर दिया कि हाँ ये अब मेरे को म्यूजिक इन्हीं लोगों के साथ और इन्हीं के साथ चल रहा है। हाँ सर, अनुराग सर के साथ जैसा आपने काम किया है या वरुण जी के साथ भी, आप लोग काफ़ी क्योंकि अभी शायद हमारी बात होगी राहुल गांधी से कि ऐसी तैसी डेमोक्रेसी में भी वो साथ में रहे, पता नहीं उस कैंपेन में आप साथ में थे या नहीं? नहीं, ऐसी तैसी डेमोक्रेसी वरुण संजय और राहुल का एक प्रोजेक्ट है, जो कि वो उसका इंडियन ओशन बैंड से डायरेक्ट तो कोई खास मेल नहीं है। हाँ, बहुत सारे विषयों पर हमारा हमारी सहमति है, मगर ये एक स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट है, स्टैंड अप नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ऐसी तैसी डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छा एक्ट है और स्टैंड अप के दर्जे से कहीं ऊंचा है। स्टैंड अप एक्ट हमारे देश में बहुत ही लो लेवल के रह गए हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। मतलब जिस देश में हिंदी हास्य कविता का दौर चलता हो, वहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडी कुछ खास नहीं करते हम जैसे बाहर गए, इसीलिए ऐसी तैसी डेमोक्रेसी फिर भी अपनी वो साथ बनाए हुए है क्योंकि उसका कॉन्टेंट थोड़ा सा अच्छा है। हाँ, कुछ लोगों को काफ़ी विवाद रहेगा उस कॉन्टेंट पे क्योंकि एक तरफा कॉन्टेंट है, मगर सबकी अपनी अपनी राय है, और अच्छी तरह से पेश करें तो हास्य व्यंग से पेश करें तो सबको मजा आता है। अच्छा सर, जब अनुराग सर के साथ आप लोगों ने काम किया ब्लैक फ्राइडे में, मतलब बहुत ही प्रचलित गाना था वो, और जब दुनिया सुन रही थी और ब्लैक फ्राइडे नहीं आ पाई थी, पर वो सॉन्ग फिर भी लोगों की मतलब रगों में बह रहा है आज भी अगर उस पर पहुंचे। अनुराग सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? क्योंकि अनुराग सर उस समय जिस आदमी की 7 फिल्में ना आई हो, फिर भी वो लगे हुए थे और वो एकदम से इच्छा जताते हैं कि यार हम काम करेंगे इंडियन ओशन के साथ, वो क्या था सर वो एक्सपीरियंस कुछ खास? हमारे लिए तो बहुत ही अजीब सा था, हम लोग ने अनुराग कश्यप का नाम सुना, हम जानते थे उनके बारे में, उनको भी जानते थे और ये भी जानते थे उन्होंने 5 फिल्म बनाई है, नाम था जो नहीं निकल पा रही है, ये है,
और हमने शायद फिल्म का कट भी देखा था कहीं पर, तो सर्कल में बात जरूर चलती थी लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट हमारे पास आ जाएगा इसकी कल्पना हमने तो नहीं करी थी, बिल्कुल भी नहीं करी थी। वो पता नहीं कैसे उनको लगा। अनुराग के बारे में ये बहुत बड़ी खासियत है, वो इतने बिल्कुल गुब्बारे की तरह है, बिल्कुल हर जगह से थॉट उनके आसपास घूमते रहते हैं, आते रहते हैं, पिछली से भी रहते हैं कभी, लेकिन अच्छी तरह से बिल्कुल खराब तरीके से नहीं। तो उनके मन में ये कहीं ना कहीं कुछ आइडिया आया हुआ कि इससे ये करवा लूँगा, उनका उनका दिमाग में ऐसा चलता रहता है कि इस एक्टर से ये करवा लूँगा, उससे ये करवा लूँगा, तो वो काफ़ी एक्सपेरिमेंटल चीज़ें सोचते हैं। तो कहीं ये दिमाग में आया होगा उनके, लेकिन शायद तब समय समय नहीं बदला होगा या मतलब प्रोड्यूसर नहीं मिला होगा। कुछ फिल्म बनाना उतना आसान काम नहीं है, और फिर जब उन्होंने दिया तो उन्होंने हम पे इतना ये वो क्या उसे कहते हैं, ही शोड सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस इन अस। तो मगर यार बहुत मजा आया मेरे को, पता एक तो बैकग्राइड का टॉपिक भी अच्छा था और उन्होंने गाने भी अच्छे लिखे थे और पीयूष जी ने इतने अच्छे लिरिक्स लिखे थे। ब्लैक फ्राइडे हमारे लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, मतलब मैं वो 3-4 महीने 6 महीने का प्रोजेक्ट जो जितनी देर भी चला हुआ, 6 महीने से थोड़ा ज़्यादा ही चला होगा, वो हमारे लिए इतना अच्छा प्रोजेक्ट था। और अनुराग का सेंस ऑफ म्यूजिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो कुछ बताते लेके आए ऐसे कि उनसे आपको बताते थे कि आपको फिल्म में कहाँ लगता है गाना आना चाहिए या कहाँ लगता है कि म्यूजिक आना चाहिए, तो हम अपना अपना बता देते थे, फिर वो अपना थोड़ा सा सोचते थे, बता कहते हाँ ठीक है यहाँ पर मैं ये कर लूँगा ये कर लूँगा, आप देख लो यार आप कर लो जैसा भी आपको लग रहा है आप सोच लो, मैं सिर्फ साउंड को देख के रिएक्ट करूँगा, म्यूजिक को देख के रिएक्ट करूँगा, साउंड अच्छी कान बैठ रही तो ठीक है। तो एक पीस मुझे याद है हमसे हो नहीं पा रहा था, बड़ा सा पीस था, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई, फाइनली अच्छा सुंदर सा पीस भी बना। तो फिर अनुराग ने आपने सुना होगा यार इसमें से ना ये बंद कर दो, ड्रम्स प्लीज बंद कर दो, ऐसा अच्छा गिटार भी बंद कर दो, ये भी बंद कर दो, खाली एक तबले का बायां थोड़ी सी देर के लिए रखे, तब बस मेरे को यही यही ठीक लग रहा है, ऐसा ऐसे ही रहने दो ऊपर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आदमी है अनुराग कश्यप। अच्छा उसके बाद जब पीपली लाइव झोली में आई और जब पता चला कि पीपली लाइव से, अच्छा एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लोगों की रातों रात जिंदगियां बदलती हैं लेकिन इंडियन ओशन की जिंदगी रातों रात नहीं बदली। वो शायद वो सफल तो हो गए हैं क्योंकि हमारी नज़रों में तो वो सफल है, पर हमें ये नहीं पता कि आप लोगों की नज़रों में सफलता के मापदंड क्या है, लेकिन अभी भी वो जर्नी चल रही है, इतने सारे हिट्स दिए हैं लेकिन फिर भी अभी कभी अपने आप को सफल नहीं कहते, तो ये क्या था कि जब पीपली लाइव आपके पास आई और देश मिलन अंग्रेजी या बाबू बिल्कुल एक कुछ अलग कॉन्सेप्ट आ गया था मार्केट में और लोग सुन रहे थे इंडियन ओशन, मतलब अगर हम उस फिल्म के म्यूजिक को अच्छे से सुने हैं तो आपके रोंगटे खड़े होते हैं सुन के, मतलब व्यंग भी दिखता है आग भी दिखती है, तो वो पीपली लाइफ के किस्सा कोई एक बहुत अच्छा सा जो आपको याद हो। पहले मैं आपकी सफलता की बात कहना चाहूँगा, हर एक बैंड या हर एक म्यूजिशियन या कलाकार ये सपने लेके निकलता जरूर है कि कुछ आर्ट करेगा अपने आर्ट फॉर्म में और फिर लोग उसको पहचानेंगे या वाहवाही करेंगे। पैसे तो खैर आर्टिस्ट सबसे काम पैसे के लिए नहीं करता, पैसे आई थिंक बाय प्रोडक्ट है, धीरे 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 आते रहते हैं उनके, लेकिन हमने पहली एल्बम करी जो कि कंपनी ने बोला कि बड़ी अच्छी निकली भाई, तब सुष्मित मशीन राहुल और शालीन होते थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, जिंदगी बिल्कुल नहीं बदली, शो भी नहीं आया। फिर हमने दूसरी एल्बम खुद ही करी, लाइव निकाली, लोगों ने कहा अरे वाह वाह बहुत बढ़िया है लाइव एल्बम इंडिया ने निकाल दी बैंड में, फिर भी कुछ नहीं हुआ, वैसे चलता रहा जैसे। और धीरे धीरे मैं बहुत जल्दी समझ गया था ये 96-97 से पहले ही समझ गया था कि हम सबकी हाथ में मेहनत की रेखा है, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, और हमें बस यही करते रहना क्योंकि हम लोगों को अच्छा लगता था लाइव बजाना गाने बनाना। फिर हमने कंदी से एल्बम करी, बहुत हिट हुई, लेकिन रातों रात जो कहानियाँ होती थी ना, आप रातों रात स्टार बन जाएंगे, आपके पैसे डबल हो जाएंगे, लाखों लोग आ जाएंगे, वैसा कुछ नहीं होता था। तो ये बड़ी हम्बलिंग एक्सपीरियंस होती है एटलीस्ट हम लोगों के चारों के लिए, तो ये कि हाँ ऐसा नहीं है कि ये कोई बॉलीवुड के जैसा म्यूजिक है जो कि एक गाना आया हिट हो गया और आप बस खतरनाक हो जाएंगे, आपको धीरे धीरे अपना काम करते रहना है करते रहना है करते रहना है। और सचिन तेंदुलकर लंबी इनिंग खेल राइट, छोटी इनिंग नहीं खेलनी है, लंबा खेलते रहेंगे, बॉडी ओवर कितना आएगा कि खुद को भी मजा आएगा। तो इसी संदर्भ में आगे बढ़ते बढ़ते फिर पीपली लाइव हमारे पास आई, जो उनकी डायरेक्टर थी अनुषा रिजवी, वो पहले आई एक्चुअली हमारे पास, तो 3 साल पहले वो 2 या 3 साल पहले आई थी। तो उन्होंने कहा था कि हमें परमिशन चाहिए आपकी, आपका म्यूजिक यूज करने के लिए, हम पायलट बना रहे हैं छोटा सा, प्रोड्यूसर उसको दिखाएंगे। तो तब उन्होंने यूज किया कौन नाम पर हमारा एक गाना है कौन गंदी से, तो उन्होंने उसको यूज किया था उसमें, तो हमने परमिशन दे रखी थी, वो गाना करना था और कुछ और नया गाना करना था। तो उसके बाद वो चली गई, 1-2 साल के बाद वापस आई
अब की बार माहौल बदल गया था, आमिर खान प्रोड्यूसर हो गए थे फिल्म के और उनको नया गाना चाहिए था, तो हमने एक नया गाना बनाया उनके लिए, जिंदगी से डरते हुए, जो कि एक पाकिस्तानी पॉइंट है उनके उनकी लिरिक्स पे। और तब अनुषा ने बोला कि तुम्हारा जो एक गाना है देश मेरा अंग्रेज बाबू, जो चीनी आदमी वैसे था, वो ना इसके साथ बहुत अच्छा फिट हो रहा है, क्या हम उसको रिविजिट कर सकते हैं, ऐसे कुछ लिरिक्स में बदलना चाहती हूँ और फिर हम ऐसे करते हैं। अब क्योंकि जीनी के राइट्स हमारे पास थे तो हमने वो गाना उनको दे दिया, उनके लिए फिर से किया। और अब की बारी बहुत ज़्यादा क्रेडिट और श्रेय जाता है आमिर खान को, जो कि बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए प्रोड्यूसर हैं, जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म को बनाया और इसको पेश किया आगे जा कर के, इस फिल्म के बहुत ज़्यादा चलने में उनका हाथ बहुत ज़्यादा है। फिल्म की बहुत अच्छी थी, डायरेक्टर का हाथ तो सबसे अव्वल नंबर पर रहता है, लेकिन उन्होंने सोचा इसके बारे में, गानों में उनका हाथ बहुत ज़्यादा था, वो दो चार बारी आए मिले और बहुत ही सतर्क लेवल के आदमी हैं, उनको सब कुछ पता है कि कैसे क्या हो रहा है, कोई भी चीज़ छूट नहीं रही थी उनसे। और बहुत ही हम लोगों को तब जाके, ये मेरे लिए बड़ा ही प्रेरणा वाले लोग हैं ये सब, क्योंकि इनके साथ मिलकर आपको पता चलता है कि अलग अलग ग्रुप किस लेवल पर काम कर सकते हैं और क्या कितना इन्वॉल्व रह सकते हैं आदमी, और कितनी एनर्जी रहती है, ऊर्जा कितनी ज़्यादा है लोगों में अनुराग कश्यप से या आमिर खान से, तो इनसे सिर्फ सीखने को ही मिलता है। तो बताना अब आपको ये भी ज़रूरी हो जाता है कि खुदरंगियत एक शब्द होता है जो कि यूपी से कहीं से निकल के आता है, इस वर्ड का मैं हर इंटरव्यू में कुछ लोगों के साथ यूज़ करता हूँ, तो ये खुदरंगियत आपको इंडियन ओशन में दिखती है, अमित जी के ड्रम में दिखती है, मतलब इसके हर एक सदस्य में आपको ये बात मिल जाएगी, ये खुदरंगियत और ये आग यूँ ही बनी रहे। इन सारी शुभकामनाओं के साथ हम आपको प्रणाम करते हैं, आते रहिए जबलपुर संस्कार धानी है, और ओयस्पा सर हमारा चैनल है, ओयस्पा के लिए कुछ थोड़ी सी शुभकामनाएं, बस आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। और बस ये आपको मैं मैसेज देना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के जरिए प्रेम और अच्छी चीज़ें भी फैलाएं, आजकल हम लोग थोड़ा सा बटे हुए हैं टेक्नोलॉजी से, इंसान बट ज़्यादा रहा है और गरीब थोड़ा कम हो गया है, लोगों को लगता है कि ये गरीब ला रहा है लेकिन ये मिथ्या है, तो अच्छी अच्छी चीज़ें फैलाएं, अच्छी अच्छी स्टोरी बनाएं, देश में अभी भी ज़्यादा अच्छे काम ज़्यादा होते हैं और ख़राब काम कम होते हैं, तो इस चीज़ को आगे बढ़ाइए। तो ये इस बात से ना एक चीज़ और सिद्ध होती है कि जो गुट होता है ना, गुट जो झुंड होता है वो हमेशा सही नहीं होता, झुंड से अलग चलता है इंडियन ओशन, राहुल जी एक अलग मसाल लेकर चल रहे हैं, वरुण ग्रोवर जी उनके साथ हैं, अनुराग जी उनके साथ हैं, तो भीड़ में मत चलिए, साथ रहिए, प्रेम से रहिए, ऊर्जा को बनाए रहिए, ओयस्पा देखते रहिए, धर्म तोड़ता नहीं जोड़ता है। नमस्कार।